अभी मैं दिल्ली था तब पीछे से घर पे फायरिंग हुई है, मैं ये चीजें समझ नहीं पा रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज ना मैं किसी आर्मी रनिंग के बारे में बात करूंगा या पुलिस भर्ती के बारे में बात करूंगा, ना ही किसी मोटिवेशन के बारे में बात करूंगा। आज मैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक की बात करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आप देख ही चुके हो, गुलजार छैनीवाला जिस पे हमला करवाया गया है, आज फिर से उन पर अटैक हुआ है। और पहले उनके बारे में बता दूं कि वो है कौन। वो एक बहुत ही अच्छे सिंगर है, जो मैं कह सकता मेरे अपने हिसाब से बताऊं तो एक मोटिवेशनल सिंगर मेरे लिए, जिनके मैं एक मोटिवेशन के लिए गाने सुनता रहता हूं। सुबह शाम रनिंग पे जाता हूं तब भी तैयारी करता हूं, बंदों को वो भी सुनते, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं वो मोटिवेशन के लिए गाने बनाते ज्यादातर। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि उनपे हमला किसने करवाया, उनको खुद नहीं पता। उन्होंने एक पहले एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, दो वीडियोस अपलोड किए, पहले जो वीडियो अपलोड किए पहले आप लोगों को वो दिखाना चाहूंगा, वीडियो देखो पहले। राम राम जी, मैं आपका अपना गुलजार छानेवाला। आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी मेहनत से काम कर रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो लोगों को क्या दिक्कत होती है उस चीज़? चलिए, मुझसे दिक्कत होती है, माना कि इन चीज़ों के साथ ये चीज़ें आती है, मगर हर बार परिवार पर जब बात आती है तो बुरा लगता है। इससे पहले भी जब भी अटैक हुआ, फैमिली पर ही हुआ है, घर पर होता है, मैं बाहर होता हूँ। अभी मैं दिल्ली था तब पीछे से घर पे फायरिंग हुई है, मैं ये चीजें समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कोई गलत नहीं बोलता गाने में, ना मैं किसी को पर्सनली कुछ बोलता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। मुझे इस वक्त आप सबके प्यार की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, और अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे आकर बोले, फेस टू फेस मुझे आकर देख बोले। लिया आप लोगों ने वीडियो, उनका कहना ये है कि उनपे ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं और वो खुद नहीं जानते ये हमले किसने करवाए हैं, क्यों करवाए हैं। उसके बाद उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज की वीडियो, मतलब सीसीटीवी पे एक जो रिकॉर्ड हुई है वीडियो, वो भी उन्होंने दिखाई है। वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जिसपे उनके घर पे हमला किया गया, उनके अपनों पे, उनकी फैमिली पे हमला करवाया गया है। तो पहले आपको वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहले वो वीडियो देख लो आप। पर्ची कट गई रीर, ये पहले पर्ची करी, पहले लगे आगे फिर गोली चलाई है। तो आपने दोनों वीडियो देख लिए हैं, अब आपके हिसाब से ये बताओ कि मतलब यार क्यों, मतलब ऐसी चीजें क्यों होती हैं, क्यों करवाते हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी जो भी है पर्सनल दुश्मनी हो या क्या हो उन्हें खुद नहीं पता अभी भी, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और वो ये बोल रहे हैं गुलजार भाई कि हमें आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो गाइज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितने लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, अभी उनको सपोर्ट की जरूरत है। और खास करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको पता लग सके। वो मोटिवेशन देने के लिए आता है तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और उनकी सेफ्टी पे और उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा, मेरा खुद का अनुरोध है आप लोगों से। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ग्राउंड पे शाइन करते रहो।